हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हो ट्रेडिशन ब्लॉग्स। सो गाइज, दिन के भी 10 बजे हैं और अभी हम हैं घर पे, आप देख रहे हो। और यहाँ देखो कौन कौन बैठा हुआ है, सोनाली है, गुनगुन है और प्राची है। ये तीनों बैठकर और मोबाइल देख रही है, पता नहीं मोबाइल में क्या कर रही है। सो गाइज, देख सकते हो फाइनली हम है मुन्ना बाबू के ऑटो पार्ट्स दुकान में। इन्हीं का दुकान है, एक और दुकान है इनका, वो पोखरा पर है, देव पोखरा है, उस पर जो है इनका दुकान है। और बहुत देव का नामित दुकान है, बहुत सालों से दुकान है। ये जो है मिथुन मिस्त्री है, ये सारे लड़के जो है सारे मिस्त्री हैं। और यहाँ गैरेज है और ये मनोवर है। अब इसका नाम हिटलर है, मुन्ना जी का गैरेज है, है बाबा है। और गणेश पूजा है, नहीं पूजा हो चुका है ना, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और ये हमारे पंडित जी हैं जो यहाँ पूजा करवाए हैं। प्रसाद लेना है आपको, प्रसाद के लिए इंतजार करना है, आपको भी चाहिए प्रसाद? अंश आया है का? अरे रे रे अंश है, आओ, क्या बात है यार, क्या बात है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम इधर है ना? अरे वाह रे वाह रे वाह रे, हे अंश क्या बात है। बस 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 बस, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं अंश, ज्यादा नहीं। और सुने अंश कि तुमको पढ़ने आ गया, सुनो ना अंश इधर आओ, सुने कि तुमको पढ़ने आ गया, सब चीज आ गया ना, सब चीज पढ़ लेता है। टूट गया होगा, बहुत पहले टूटा था वो, पढ़ने सब आ गया तुमको है ना, क्या क्या पढ़ लेता है। कहाँ तुम गया था? कहाँ? गया गया था ना, हुआ क्या है ना? ओ पापा कहाँ गया बंस? इंदौर। पापा इंदौर है ना, ओहो वही जो है से सर्विस कर रहा है ना, पप्पू। हाँ पप्पू है वो, मेरा चचेरा छोटा भाई लगता है, उसी का ये लड़का है अंश। और वो इंदौर में एयरपोर्ट पर काम कर रहा है, एयरपोर्ट पर है, काम है। वही काम करता है दूध का, दूध का? अरे नहीं दूध का नहीं करता है, दूध का ही करता है, दूध का ही करता, दूध दूध बेचता है, दूध का करता है काम है। अच्छा दूध का काम करता है, मनी एक्सचेंजर का काम करता है। हाँ कौन ये वाला कहाँ था, कौन वाला जी? अरे वो गाना वाला। अच्छा वो बाबा का है, कहाँ था वो? खरीदे हैं, कहाँ था? दुकान से खरीदे हैं, दुकान में था। हाँ लेकिन था कहीं? दुकान में था, दुकान से पैसा देके खरीदे हैं। ये क्या है पीछे का खिलौना? वो तो ऐसे ही हेलमेट है मेरा गाड़ी का, खेलने वाला चीज। हाँ हाँ खेलने वाला चीज है तो है, सब रखा होगा, गुनगुंदी वगैरह रखी होगी। गुनगुन दीदी का नहीं, प्राची दीदी का। अच्छा प्राची दीदी का है। हाँ। और सब ठीक ठाक है अंश? पीछे से खुलता है। हाँ वो पीछे से खुलता है, दरवाजा आगे से बंद है और पीछे से खुलता है। और सब बढ़िया है अंश? चलो ठीक है अंश। देखिए गाइस, बिट्टू भैया है बेरनी पंचायत से सरपंच के उम्मीदवार हैं। बिट्टू भैया हैं हमारे। देखिए गाइस पापा हैं और यहाँ पे भगवान भैया हैं, पिंटू भैया नाम है इनका, सब बात कर रहे हैं। और यहाँ पे पिंटू चा हैं, सोते हुए हैं। ये बाबा लगते हैं हमारे, घास काटने जा रहे हैं अभी। यहाँ पे सब बात कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग औरंगाबाद जा रहे हैं। देखिए तुम तैयार हुई है पहले?
ये मेरी फ्रेंड है सोनाली। हेलो प्राची। हेलो चलिए चलते हैं औरंगाबाद। सो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं औरंगाबाद। बिल बारात घूर है क्षेत्र में एकदम जीत निश्चित है। घड़ा मत ना बिट्टू के ना चार और चार पांच जगह पी ली चाची बता दिए राम भारती कर मत चाची। देख सकते हो आप फाइनली हम हैं देव सूर्य मंदिर द्वार के पास। आप देख सकते हो मंदिर का दंडवत द्वार और अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और गांव देव से मेरा गांव मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे दोस्त हैं मनीष जी हैं देख सकते हैं। शाम का समय है और हम लोग यहाँ पर सो मैं अभी केवल घूमने आया था और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी कुछ मंदिर का दृश्य दिखलाता चलूं और फिर कभी मंदिर का और किले का मंदिर का पूरा ब्लॉग आपको मैं स्पेशल एक बनाकर दिखलाऊंगा। तो सोचे कि कुछ पार्ट आप लोगों को मंदिर का भी दिखलाता चलूं। क्योंकि मंदिर का ब्लॉग बनाने के लिए करीब करीब बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत होगी मुझे, तब जाकर ब्लॉग देव मंदिर का पूर्ण होगा। अभी मैं ऐसे ही एक चक्कर लगा लेता हूँ मंदिर का और आपको दिखाता हूँ कि देव में मंदिर में क्या क्या है, कैसे कैसे क्या है। आप देख सकते हो ये हवन कुंड है, देख सकते हो आप, बहुत ही खूबसूरत। शाम का समय बहुत ही शांति महसूस हो रही है यहाँ पर, देख सकते हो आप। मंदिर के द्वार से बाहर निकल रहे हैं तो आप देख सकते हो देव का किला। सूर्य मंदिर के बगल में ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर आप देख सकते हो, देख सकते हो। फाइनली हम अभी हैं औरंगाबाद अपने घर में। 8:30 बजे हैं और देखो प्रतीक भी है। ब्लॉग को ही समाप्त करते हैं, अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।